हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर चॉकलेट वाली कोल्ड कॉफ़ी, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो, और बना बना कर लोग बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं या फिर इसको बनाकर पी रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करूँ, ताकि वो भी इसको बनाकर पिएं और इसका मज़ा लें। तो ये चॉकलेट की कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी है, और सबसे बड़ी बात बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आने वाली है, और बच्चे तो इसके दीवाने ही हो जाएंगे अगर आप इसको एक बार पिलाएंगे तो। बहुत ही शौक से वो इसको पियेंगे, और आप इसको बनाकर फ्रिज में रख लीजिए, और जब उनको दिल करे तभी आप इसको ठंडा ठंडा पिलाइए। तो बहुत ही टेस्टी सी ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी या फिर चॉकलेट कॉफ़ी किस तरीके से रेडी होती है, चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। ढेर सारी क्रीमी क्रीमी चॉकलेटी कॉफ़ी को किस तरीके से रेडी कर लेते हैं। तो इस ड्रिंक के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पर चॉकलेट, तो आप कोई भी चॉकलेट ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट ले ली है, वो भी मिल्क वाली। तो अभी हमें इसे क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे या तोड़ेंगे। चॉकलेट ले ली है मैंने, और उसको मैंने तोड़ लिया है या नाइफ की हेल्प से इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। अभी क्या करना है, एक बाउल लेंगे हम, और उसमें बाउल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसको हम एक स्टैंड रख के और इसके ऊपर हम ये रख देंगे, और ये जो हमारी चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आप इसको ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो हमें चॉकलेट मेल्ट करनी है, तो मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, फ्लो में है, और अभी हम ले लेते हैं एक ग्लास। ये मैंने डिस्पोजल वाला ग्लास लिया है, क्योंकि ये वाली जो हम ड्रिंक तैयार कर रहे हैं या कॉफ़ी तैयार कर रहे हैं वो इसी में ही अच्छी बनती है, यानी जो तरीका है वो इसी में ही है। तो अभी क्या करेंगे, जो मेल्ट चॉकलेट है वो हम अपने ग्लास के अंदर डाल लेते हैं। चॉकलेट डालने के बाद सारे ही ग्लास में हम चॉकलेट को इस तरीके से फैला लेंगे, और जो हमारा जो ग्लास है उसको हमें कवर करना है यानी अंदर से। तो सारे ही जो चॉकलेट है वो हम इसको इस तरीके से घुमाते हुए फैला ले रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी ही ग्लास में चॉकलेट डाल रही है, और ये देखिए कवर अच्छे से हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ताकि इसमें अच्छे से लेयर जम जाए, तो हम इसको रख देते हैं फ्रिज में, और जब तक ये सेट होता है ये लगभग हमारा 10 मिनट में आराम से इजीली अच्छे से सेट हो जाएगा, और तब तक हम अपनी कॉफ़ी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें लेना है मिक्सी जार, और उसमें डालेंगे हम ठंडा ठंडा फुल फैट क्रीम मिल्क। आप चाहें तो बॉईल करके और ठंडा करके ले सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं, या लगभग 1 से 2 टीस्पून। तो बड़ा ग्लास है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच शुगर पाउडर लिया है। शुगर इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि जो शुगर है हमारी वो ठंडे चीज़ मतलब अच्छे से मेल्ट नहीं होगी या पीसेगी नहीं, तो हम शुगर ले ले रहे हैं, पाउडर ले ले रहे हैं, सॉरी। आप शुगर भी ले सकते हैं। तो ये अब हम ले रहे हैं यहाँ पर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी ले ली है, तो 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे कॉफ़ी इस तरीके से। और अब डालेंगे हम यहाँ पर थोड़ी सी आइस क्यूब ऐड करेंगे, और सभी चीज़ों को हम मिक्सी में डालकर चला ले रहे हैं। हमारी क्रीमी सी कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई, जैसे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी क्रीम आ गई है इसके ऊपर, और ये हमारा जो जार है वो अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से हमारी जो चॉकलेट है वो इसमें सेट हो गई है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना इस तरीके से कॉफ़ी। अब हम इसका लिड लगा देंगे, अगर आपके पास लिड है तो ये लगा रहे हैं हम इसका लिड। स्ट्रॉ डाल देते हैं, और इसका मैन जो हमारा पार्ट है वो है जो हमारी चॉकलेट है उसको हल्के हाथ से पुश करेंगे, और इस तरीके से उसको क्रैक करेंगे यानी तोड़ेंगे। ये हमारी चॉकलेट टूट गई है, और ये हमारी चॉकलेट वाली कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई है, जो कि ढेर सारी चॉकलेट के साथ और क्रीमी क्रीमी टेस्ट के साथ बनकर रेडी हो गई है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने ही वाली है, साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आप गर्मी में क्यों ना इसको ट्राई करें, तो बनाएं पीजिए और पिलाइए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।